आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए राजस्थान की फेमस मिर्ची वड़े की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रमिलाज किचन जोन। मिर्च के वड़े बनाने के लिए हमको चाहिए एक कटोरी बेसन। बेसन को फ्लेवर देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लगभग आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब बेसन में पानी ऐड करते हुए इसका थिक बैटर तैयार कर लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करते हुए इसको फेंटते रहें और इसमें लम्स ना बनने दें। बेसन को जितना ज्यादा फेटा जाता है उतना ही इसका अच्छा बैटर तैयार होता है और अच्छे बैटर से मार्केट जैसे फूले फूले पकौड़े तैयार होते हैं। हमारा बेसन का बैटर बनकर एकदम तैयार हो चुका है। अब इसको कुछ समय के लिए रेस्ट करने देंगे और उसके बाद फिलिंग के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए, यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करूंगी जैसे खड़ा धनिया, जीरा, काली मिर्च और सौंफ। यहाँ पर मैंने लगभग एक एक चम्मच खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है। अब इन मसालों को हम लगभग आधा मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको पीस कर दरदरा मसाला तैयार कर लेंगे। मसालों को आप चाहें तो कूट लें या पीस लें। अब इसमें लगभग 3 से 4 उबले हुए आलू मिक्स कर देंगे। खड़े मसालों के अलावा कुछ ऐसे मसाले भी हमको इस्तेमाल करने हैं जो कि इन मसालों को और भी चटपटा बना दें। तो अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जितना आप तीखा खाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप तीखापन रख सकते हैं। और उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें लगभग आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर दें। अब लगभग आधा चम्मच हींग, हींग की क्वांटिटी को ज्यादा रखें। अब इन सारे मसालों के साथ कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल करें। कड़ी पत्ते से मिर्ची के वड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, मैश कर लें। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसकी फिलिंग करने की। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के मिर्च का इस्तेमाल किया है। मिर्च को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको बीच की साइड से कट लगा दिया है। इस तरीके की मिर्च राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा मिलती है। अब मिर्च के अंदर आलू का मिक्सचर फिल कर दें। इस तरीके से बहुत ही आसानी से मिर्च को फिल कर सकते हैं। एक मिर्च फिल करके मैंने बता दिया है। अब इसी तरीके से सारी मिर्च को फिल कर लेंगे। सारी मिर्च तैयार हो चुकी हैं और बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है। अब मिर्च को बारी बारी से बेसन के साथ अच्छे से लपेट लें और उसके बाद हमने पहले से ही रिफाइंड ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब मिर्च को बेसन के बैटर से कोट करने के बाद फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दें। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मिर्च को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इस तरीके से मिर्च को ऑयल में डालने के बाद एक साइड से इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई होने दें। जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड पे पलट कर इसको फ्राई करें। पकोड़ों का एक बेच तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से पकोड़े का दूसरा बेच तैयार कर लें। पकोड़े बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मार्केट जैसे मिर्च के वड़े तैयार कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। बस मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लें और उसके बाद मिर्च में फिल कर दें। इन पकोड़ों को आप चटनी के साथ या चाट मसाला स्प्रेड करते हुए सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। इस तरीके की टेस्टी रेसिपी मैं और भी लेकर आने वाली हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।